हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए है, लेकिन एक सवाल के साथ कि अभी इतना सब हो गया है आपके सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट और बहुत कुछ ब्लॉक अनब्लॉक वगैरह सब कुछ, और ये सब अभी होने के बाद जब अभी रिसेंटली आपको वो जब देख रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे है या रियल में देख रहे हैं या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं या कहीं पर भी जब आपको देख रहे हैं, तो क्या सोच रहे होंगे या क्या फील करते होंगे वो जानने की कोशिश करूंगी कि क्या हो रहा है, क्या चलता है जब जब भी आपका फोटो देखते हैं या फिर आपको रियल में देखते हैं तो क्या फील होता है। फाइव ऑफ कप्स उल्टा आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यही तो चाहिए था यही तो चाहिए था मुझे कि जब भी आपको अभी देखे ना तो ये दिखना चाहिए उनको, आप मेल फीमेल कुछ भी हो बट ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। और ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स और बॉटम डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जब आपको देखते हैं तो क्या फील करते हैं, मतलब दो कार्ड ऐसे कि मुझे मतलब बहुत निगेटिव लगे, लेकिन दो कार्ड तीन कार्ड ऐसे तीन चार कार्ड बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तीन कार्ड ऐसे कि बोलते कि दो कार्ड स्पेशली मुझे बहुत बिल्कुल अच्छे नहीं लगे कि अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो इस तरह से आपने अपने आप को बेचारा या बेचारी फंसे हुए अटके हुए इंतज़ार करते हुए, ये जो है ना मतलब उनको अगर दिख रहा होगा कि आप उनके इंतज़ार में थक गए हो और मतलब ये सब चीज़ें अगर दिख रही है तो बहुत मतलब किसी को ना मतलब कुछ अगर उनको इतना अगर आपकी पड़ी होती कि मतलब कि ये सब हो रहा है आपके साथ तो ये मतलब आपके साथ ऐसा करते ही नहीं ना। लेकिन आप अगर ऐसी एनर्जीज में रहोगे कि अपने आप को बेचारा और बंधा हुआ, मतलब उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो और मतलब कैसे ये सब एनर्जी नहीं दिखनी चाहिए, ये सब एनर्जी नहीं दिखनी चाहिए। और टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए
हर चीज से, मतलब आप इंतजार कर रहे थके हो या अपने ही मतलब अपनी जिम्मेदारियों से थके हुए और सब चीज से थके हुए, ये जो नज़र आ रहा है ना, तो नहीं आना चाहिए। जैसे कि अभी जो नज़र आ रहा है कि ये 5 कप उस उल्टा आया था कि आपने जो रोना धोना है ना वो छोड़ दिया है। जो मतलब ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो या कुछ भी है, या आपके दिल से प्यार निकल गया, बट वो एक मतलब एक अगर बहुत अगर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज है तो मतलब ये बहुत आपको एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जल्द वापस आ जाए तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे वो इससे नहीं आ पाएंगे कि अगर वो देख रहे हैं कि आप उनके बिना कितने दुखी हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह ये भी नहीं है कि खुश हो या कुछ भी, बट समहाउ आप कुछ का कुछ अलग बन गए हो, कुछ अलग बन गए हो, वो मतलब कितना स्ट्रांग हो गए हो ये बनना चाहता है। क्योंकि शायद हर कोई भी थोड़ा सपोर्ट चाहता है, भले इमोशनली सही कि आप उनकी कितनी इमोशनल भी सपोर्ट कर सकते हो ये भी चाहता है। तो वो आपको नहीं करना है कि क्योंकि ऐसे इंसान को ना आप कहीं पे भी देखो, दुनिया में देखो, कि रिश्ते में हो या आप कोई सिचुएशन में, जॉब में जाओ, बिजनेस में जाओ, लोग ना हल्के में ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कि मतलब बस हाँ ये तो इंसान ऐसे ही है, तो वो मतलब उसको उसको वैल्यू नहीं मिलती। तो ये जो एनर्जी आपने चेंज की है ना, कि जो दुखी होने की कि मैंने क्या खो दिया, जो एनर्जी है ना आपने अगर चेंज कर दी है तो बहुत ही ज़्यादा जो उनको दिख रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देन वो आपको देख रहे हैं कि आप काम के अपने कामों में, अपने सब चीज़ों में कितनी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हो, लगन है आप में, वो जो दिख रहा है ना कि आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो या आप अपने करियर में, अपने जॉब में या अपना जो भी काम है, भले आप होम मेकर हो या कुछ भी हो, बट जिस तरह से, जिस लगन से आप काम कर रहे हो या अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग पे भी ध्यान दे रहे हो, तो वो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में ना वो पहले जैसा मतलब ये नहीं है, मतलब ऐसा एक बोलते ना खिंचावपन, मतलब ऐसा नहीं है, वो मतलब ऐसा दिख रहा है कि अभी ना जो चाहिए वो पाने का जुनून जो रहता है ना वो आप में फील होता है उनको, जब भी आपको देख रहे हैं तो वो बहुत उनको मतलब अट्रैक्ट कर रहा है कि वो एनर्जेटिक फील हो रहा है आप, मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के कि पहले के जैसा सा बेचारा वाला इमेज नहीं है, मतलब मुझे जो चाहिए ना वो सब मैं पाके रहूँगा, वो वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल नई शुरुआत के बहुत मतलब एक लविंग केयरिंग तो आप पहले से थे, बट एक नई शुरुआत से, एक नई सिरे से, एक अलग ही एक आप में एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होती होगी, अलग ही एक चार्म फील होता होगा, वो आप उनको नज़र आता होगा। और ख़ास करके जिस तरह से आप अपने आप को अभी निखार रहे हो या अपने आप का ध्यान रख रहे हो, आप फाइनेंसेस के, अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी जिस तरह से ध्यान दे रहे हो, मतलब कि अपना कुछ हो या अपने आप में जो ध्यान देना वो सब देख रहे हो ना, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब वो बोले मैग्नेट और वो लोहा, वो वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है जिसका मतलब वो खिंचाव फील करे, लिटरली खिंचाव फील करे। और मैं ये चाहते थे कि ये एनर्जी आप में आनी चाहिए, जो एम्प्रेस है या नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, ये एनर्जी आप में चाहिए, मतलब हर चीज़ से मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, अपना ध्यान रखने वाली है। कुछ भी इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते या दूसरे को वैल्यू नहीं देते और कुछ भी, लेकिन आप में अपनी वैल्यू भी उतनी ही अहमियत रखती है, ये एनर्जी मुझे चाहिए थी। और जब भी वो आपको देखते हैं यार ये दिखता होगा ना, तो मतलब इससे ना आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, प्यार तो वो अलग ही लेवल पे जाएगा बट रिस्पेक्ट बहुत होगी। मतलब ऐसे इंसान को ना खोने से लोग कोई ना मतलब 100 दफ़ा सोचेगा, ऐसी वाली फीलिंग है। और जिस तरह से आप इस रिश्ते में देते आए थे, जो अभी आप है ना थोड़ा डिमांडिंग हो या बैलेंसिंग पोजीशन पे हो ना, तो वो उनको देखना मतलब थोड़ा झटका तो लगा होगा बट अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और मतलब अभी दिख रहा है कि आप अभी तक सिंगल हो, आपने किसी और के बारे में शायद सोचा ना हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप है ना बहुत जैसा मस्त मौला जैसे फील है ना, मतलब अपने आप में खुश और मतलब
बहुत ज्यादा हर चीज में नई शुरुआत, मतलब एक नई शुरुआत भी करनी है तो वो चीज के लिए सर बिना डरे, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप पे भरोसा, आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर इतना भरोसा है, और इसके लिए आप कुछ भी मतलब ना हिम्मत करने को तैयार हो, किसी भी कोई भी बड़ा भी काम हो तो आप डर नहीं रहे हो, आप करना चाहते हो, और उसमें आप ना आपको एक एनर्जी, एक अलग ही लेवल का एनर्जी फील होती है, और कुछ है ना मतलब आप में एक अजीब सा एक मतलब ना क्या बोलते हैं उसको, कैरिज्मा बोलते हैं, एक अलग सी फीलिंग है, उन देखते ही एक अजीब बहुत एनर्जी फील होती है, एक नई शुरुआत की फीलिंग होती है, एक मतलब ये इंसान कितना मस्त मौला है, एक अजीब सा एक बहुत अट्रैक्शन फील होता है। और मतलब वैसे मतलब अगर आप अपनी इमोशंस पे पर काबू पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करें, आपने ना पेशेंस रखना सीख लिया कि आपको अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है। इसके लिए आपने शांत, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इंसान को दिल से निकाल दिया, अपने प्यार को दिल से निकाल लिया, आप सिर्फ अपने मतलब आपको हर चीज़ चाहिए, बट इस तरह से नहीं कि मांग के मांग के मांग के, ऐसे नहीं है, अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करके या भरोसा रख के, अपने ऊपर ध्यान दे के, अपने ऊपर जो काम करे, जो अपने अपना बैलेंस क्रिएट करे हो, अपने पेशेंस, पेशेंस बोले ना एक धैर्य क्षमता जो क्रिएट हो रही है ना, वो देख के मतलब बहुत, क्योंकि मतलब जिस तरह से वो आपको जानते होंगे कि मतलब शायद वो उन्होंने सोचा होगा कि ये इंसान मेरे बिना क्या रह पाएगा, घूम फिर के तो मेरे पास वापस आना ही है, वो वाला फीलिंग है ना, वो अभी समाओ वो दिल से निकल गया, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी अगर ऐसी है तो वो एक अलग लेवल पे रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, और प्यार तो ऑब्वियसली पहले से ही था ही, तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही खिंचाव फील करी है। तो मुझे लगता है ना कि जब अगर ये दो एनर्जीज में आप नहीं है, तो फिर अगर आप जब भी आपको देखते होंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा, पहले तो शॉक हुए रहेंगे कि मतलब आप ऐसे कैसे बदल गए, कि जिस इंसान को मैंने छोड़ा था तो उनको लगा नहीं था कि ये इंसान क्या होगा, मतलब मेरे बगैर क्या है, वो वाला फीलिंग था। लेकिन जिस तरह से अगर आपने ये चेंजेस लाए हैं, ये चेंजेस लाए अपने आप में, अपने ऊपर ध्यान करके, अपने काम के ऊपर ध्यान करके, और हर चीज़ में आप में जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो सोच के, तो डेफिनेटली मतलब आपको देखते हुए ना बहुत ही मतलब बोलो ना शॉक, सरप्राइज नहीं, शॉक, शॉक बैठता होगा, और मतलब खुश भी होते होंगे, और आपको पाने की चाह बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई लेवल पे जाती होगी, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी अगर ये है तो डेफिनेटली मैग्नेट, मैग्नेट बन गए, मतलब ये जो एनर्जी ना ये मैग्नेट की एनर्जी है, तो वो लोहे को खींचने में वक्त नहीं लगाएगी अगर आप इस एनर्जी में हो तो। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।